भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है, भाइयों बहनों जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का, फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है, फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। इस सम्मान और स्वाभिमान मैनपुरी का, यहां के विकास का, यहां के गरीबों का, यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का, और इसी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री रघुराज सिंह साक्य जैसे कार्यकर्ता को आपके बीच में सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।